हाय फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 प्लस। आज दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा इस फोन का एलईडी व्यू कवर, जो कि कुछ इस टाइप की पैकिंग में आता है। बॉक्स में एमआरपी है 3799 रुपीस, काफी महंगा कवर है। तो आइए दोस्तों, करते हैं इस कवर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, लुक को, और फाइनली ये भी देखते हैं क्या इस कवर को लेना वर्थ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के साथ ऑलरेडी एक केस आता है, जो कि ट्रांसपेरेंट केस है, सिलिकॉन का केस है। ये फोन को बैक साइड से और साइड एजिस से प्रोटेक्ट करता है, और साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बम्प भी है, तो डेफिनेटली डिस्प्ले को भी ये प्रोटेक्ट करता है। ऑल दो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्क्रीन गार्ड पहले से इंस्टॉल आता है, तो यहाँ पर सैमसंग ने आउट ऑफ द बॉक्स आपको सभी टाइप की प्रोटेक्शन दी है। फिर भी दोस्तों, अगर आप इस प्रोटेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, मतलब कि कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड करना चाहते हो, तो दोस्तों आप मंगवा सकते हो सैमसंग का ये एलईडी व्यू कवर, जो कि कुछ स्टेप की पैकिंग में आता है। यहाँ पर सैमसंग लिखा हुआ है, टाइम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये एक एलईडी व्यू कवर है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस और नोट 10 प्लस 5G मॉडल के लिए। इजी कंट्रोल विद एन एलईडी डिस्प्ले, तो आपको आगे की साइड को डिस्प्ले भी मिल जाएगा। ये क्या है इसके बारे में बाद में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक एलईडी व्यू कवर है और यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ रेकमेंडेड टू रिमूव योर डिवाइस कवर बिफोर यूजिंग द वायरलेस पावर शेयर फीचर। मतलब कि अगर आप कोई भी कवर लगा रहे हो, चाहे दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट कवर ही क्यों ना हो, चाहे ये कवर हो, अगर आप वायरलेस पावर शेयर का फंक्शन यूज़ करते हो, तो ऐसे केस में सैमसंग रेकमेंड करता है कि आप केस को निकाल दें। तो दोस्तों, ये है पैकेज जिसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का एलईडी व्यू कवर आता है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग के लिए लिखा हुआ है कि आपको ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और क्या करना है, आप इसको ऐसे दबा दीजिए और उसके बाद उठा दीजिए। तो यहाँ पर पैकेज के अंदर है एक कवर, और साथ में दोस्तों है क्विक स्टार्ट गाइड, जिसको पढ़ के आप इस कवर को आसानी से यूज़ कर सकते हो। कैसे इस कवर को यूज़ करना है, क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, आप सब कुछ इसके अंदर पढ़ सकते हो। चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं केस को। तो यह है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का एलईडी व्यू कवर। देख लीजिए, कुछ इस टाइप का कवर है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेटी फिनिश मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्लॉथ है, कपड़ा है। पीछे की साइड को एक हार्ड शेल है। चलिए दोस्तों, अब फोन को डाल के देखते हैं। तो आइए सबसे पहले तो इस कवर को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे, तो मैंने अपने नोट 10 प्लस के पीछे एक स्किन लगा रखी है, जो कि गैजेट शील्ड की स्किन, नोवा स्किन है। अगर आप भी अपने फ़ोन के लुक को इम्प्रूव करना चाहते हो, कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो आप इस टाइप की स्किन मंगवा सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे दे दूंगा। चलिए अब इस फ़ोन को डालते हैं कवर के अंदर। तो कवर लग चुका है, आप देख सकते हो। जैसे मैं कवर को बंद करता हूँ तो इसके ऊपर टाइम दिखता है। वाओ, तो जो कवर है वो नाइसली फिट हो जाता है, देख सकते हो। ये जो कवर है काफ़ी स्लिम है। फ़ोन का जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये दोस्तों जो कवर है ये मैग्नेटिक नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें खरीदते वक्त। बाकी प्रोटेक्शन की बात करें, तो ये जो कवर है ये फ़ोन के बैक साइड को, फ्रंट साइड को और इन दो साइड को प्रोटेक्ट करेगा, जबकि ऊपर और नीचे से फ़ोन ओपन रहेगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बाकी दोस्तों प्रोफाइल काफ़ी स्लिम है। जो यहाँ पर टेक्सचर दिया जा रहा है कवर में, वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो नो डाउट दोस्तों, अगर आपको स्लिम प्रोफाइल वाला कवर चाहिए नोट 10 प्लस के लिए, तो आप दोस्तों डेफिनेटली इस कवर को देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ प्रीलोडेड जो आइकन्स हैं उनको सेट कर सकता हूँ, किसी भी कॉन्टेक्ट्स में यहाँ पर मैं उसको डाल सकता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए भी दोस्तों मैं इस आइकन को सेट कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मुझे कोई मैसेज करता है या फिर कोई यहाँ पर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन भेजती है, तो दोस्तों वो डायरेक्टली मुझे उस स्माइली के थ्रू स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, डायरेक्टली अगर कोई आपको कॉल करता है तो आपको यहाँ पर
पता चल जाएगा उसका नंबर कि किस नंबर से कॉल आई है। और यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्टली स्वाइप करके कॉल को आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर कवर को उठा के फ़ोन को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कवर के थ्रू भी कॉल को आंसर कर सकते हो। और अगर आपको कोई मैसेज भेजता है तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट कवर के ऊपर मिल जाएगा। क्या इस कवर के साथ चार्जिंग वर्क करती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग वर्क करती है। जबकि दोस्तों अगर आप इस कवर के साथ वायरलेस पावर शेयर को यूज़ करोगे तो वो दोस्तों यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। अगर आप देखते हो तो जो चार्जिंग है वो कभी स्टार्ट हो जाती है और कभी यहाँ पर काम नहीं करती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब इसी कंक्लूजन के साथ कि अगर आपके पास नोट 10 है या फिर नोट 10 प्लस है तो आपको ये कवर मंगवाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों इनका एक और कवर आता है जिसमें बैक साइड में आपको LEDs मिल जाती हैं, आप उसको भी मंगवा सकते हो। तो मैं अब इसी कंक्लूजन के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस कवर के बारे में जान पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।